आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। राष्ट्रीय संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य श्री मनोहर मुनि जी महाराज साहेब जी के सुशिष्य उप प्रवर्तक उत्तर भारत गौरव श्री पीयूष मुनि जी महाराज साहेब, श्री संयमेश मुनि जी महाराज साहेब, श्री अभिनव मुनि जी महाराज साहेब SS जैन सभा जैन स्थानक शिवपुरी में विराजमान हैं। आज हम अभी मौजूद हैं शिवपुरी के जैन सभा के प्रांगण में। यहाँ पर अभी हमारे साथ मौजूद हैं श्री पीयूष मुनि जी महाराज साहेब। इनसे वार्तालाप करते हैं और हमारे मन में जो भी प्रश्न है वो इनसे जानते हैं। मत्थे वंदना महाराज। हाँ जी, धर्म लाभ। महाराज साहब, जो संयम का मार्ग है ये क्या है और संयम क्या है? इंद्रियों के विषयों के आकर्षण से स्वयं को मोड़ना, अपनी इंद्रियों का निग्रह करके बाहर की ओर नहीं भीतर की ओर समाहित होकर रहना, समभाव में अवस्थित होकर रहना, ये संयम है। जो अजैन होते हैं उनको ना तो संयम का अर्थ पता होता है ना ही सामायिक का अर्थ पता होता है, तो सामायिक का अर्थ क्या होता है, सामायिक क्या होता है? सामायिक जैन धर्म की एक विशिष्ट साधना है समता योग का अभ्यास करना, यानी जीवन में जो कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल हर्ष में शोक में सुख में और दुख में है उसे अप्रभावित रहते हुए अपनी आत्मा की स्वाभाविक अवस्था में टिक कर रहना और इसका अभ्यास करना, इसे सामायिक कहा जाता है। जैन धर्म में अक्सर ये कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म, और ये भी कहा जाता है कि हमारे मन में जो क्रोध है हमें उन्हें शांत रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में तो हर इंसान के अंदर जो क्रोध की भावना है वो बहुत ही ज़्यादा है। व्यक्ति को सोचना चाहिए कि क्रोध करने से फ़ायदा कुछ नहीं होता, हानि उठानी पड़ती है। हम शनि को उत्तेजनावश हमारे से विपरीत जो कुछ भी घटित हो जाता है, कोई व्यक्ति विपरीत व्यवहार करता है उसे प्रभावित होकर रिएक्शन करते हैं जिसकी वजह से गुस्सा हमें आ जाता है, किंतु क्रोध करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारी मानसिक शांति भंग होती है, शरीर को भी नुकसान उठाना पड़ता है, हमारे पारिवारिक जीवन में भी अस्त व्यस्तता आ जाती है, सामाजिक जीवन भी अभिशापमय बन जाता है। किसी भी दृष्टि से क्रोध करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर क्रोध के परिणामों पर अपनी दृष्टि को केंद्रित किया जाए तो क्रोध से होने वाली हानियों का विचार करके क्रोध को जीतना व्यक्ति के लिए संभव हो सकता है। आज के युग में हम देख रहे हैं कि पाप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आज के जो मनुष्य हैं इतने घोर पापी होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? आज के युग में स्वार्थ की प्रधानता हो रही है और भौतिक युग में मैटेरियलिज्म का बोलबाला है। मैटेरियलिज्म से प्रभावित होकर के व्यक्ति सुख साधनों का अंबार लगाने में, अपने जीवन में गैजेट्स और सुख सुविधाओं का भंडार लगाने में लगा हुआ है। इसके लिए वो अन्याय अनीति और शोषण का भी कोई विचार नहीं करता। उसके व्यवहार से किसी के अधिकारों का शोषण तो नहीं होता, इस और उसका ध्यान नहीं जाता, जिस वजह से वह दूसरों के अधिकारों का हनन एक्सप्लॉयटेशन करते हुए भी पाप के कार्यों में लगा रहता है और यही सारे अनर्थों की जड़ है। लोभ हवस अत्यधिक मात्रा में बढ़ गई है, लोग जितना मिला हुआ है उससे संतुष्ट नहीं है और अधिक प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, और ये बढ़ी हुई इच्छा सारी समस्याएं और सारे झगड़े पैदा करती है। हम अक्सर देखते हैं कि जो जैन धर्म है उसका प्रचार प्रसार इतना तेज़ी से नहीं फैल पा रहा है जितने बाकी के धर्म हैं, और जैन धर्म के हम देखते हैं कि जो अनुयायी होते हैं वो भी बहुत ही प्रचुर मात्रा में है, बहुत ही कम मात्रा में है, तो इसके क्या कारण हैं? जैन धर्म त्याग तपस्या और साधना प्रधान धर्म है। यहाँ कठोर जीवन शैली जिसमें नियमों मर्यादाओं की बाढ़ हर समय साधक के चारों तरफ लगी रहती है, चाहे वो गृहस्थ हो उसके लिए भी 12 अनुव्रत, मुनि है उसके लिए पंच महाव्रतों का विधान बनाया गया। मर्यादित जीवन जीना जैन धर्म में हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इस तरह के कठोर मर्यादापूर्ण जीवन जीना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता, इसलिए जन साधारण की अभिरुचि यानी इंटरेस्ट जैन धर्म की ओर नहीं हो पाता। किंतु अगर जैन धर्म के सिद्धांतों को सरल रीति से आम आदमी के लिए उपयोगी बनाकर उनका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने का प्रयत्न किया जाए तो निश्चित रूप से दूसरे लोग भी जैन धर्म द्वारा प्रेरित जीवन शैली से प्रभावित होकर जैन धर्म को अंगीकार कर सकते हैं। किंतु ज़रूरत इस बात की है कि जैन धर्म के लोकोपयोगी सिद्धांतों का अच्छे ढंग से जनमानस तक प्रचार प्रसार करके उनके कल्याण के मार्ग का उन्हें बोध कराया जाए।
महाराज साहब, हम ये देखते हैं अक्सर कि इतनी गर्मी है और इतनी गर्मी में भी जो साधु संत हैं पैदल विहार करते हैं, तो क्या ये कठिनाई नहीं आती पैदल चलने में? जो व्यक्ति जिस मार्ग पर चलता है वो वैसा ही करने का हैबिचुअल अकस्टम्ड हो जाता है, हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग उसी तरह की हो जाती है। दूसरे व्यक्ति को इन क्रियाओं को करते हुए कष्ट का अनुभव हो सकता है, किंतु जो साधना के मार्ग पर स्वेच्छा से और रुचिपूर्वक चल रहा है उसको कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। वह चाहे बाहर से कैसी भी परिस्थिति हो, उससे अप्रभावित होकर के साधना के पथ पर एकाग्रता पूर्वक खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ चलता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। बाहर से जो लोग देखते हैं कि संत शायद कष्ट में जीवन जी रहे हैं, किंतु भीतर संत को किसी किस्म के कष्ट की अनुभूति नहीं होती। हम अपने समाज के लिए क्या योगदान दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं? व्यक्ति अपना जीवन अच्छा बनाने का प्रयत्न करे। एक कहावत भी है, इफ एवरी मैन लुक्स टू हिज ऑन रिफॉर्मेशन देन हाउ वेरी इजी टू रिफॉर्म ए नेशन। व्यक्ति अपना सुधार करने का प्रयत्न करे। यदि हर व्यक्ति अपना सुधार कर लेगा, अपनी ओर से अच्छा आदर्श दूसरों के सामने प्रस्तुत करेगा, तो सारे समाज का उद्धार करना, सारे समाज को कल्याण की दिशा दिखाना मुमकिन और संभव हो सकेगा। ज़रूरत इस बात की है कि दूसरों का जीवन देखने की बजाय हम अपने जीवन पटल पर दृष्टि डालें और अपना कल्याण करने के रास्ते पर आगे बढ़ें। महाराज साहब, आपका आगामी चतुर्मास एसएस जैन सभा रायकोट को प्राप्त हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारा इस वर्ष का चतुर्मास रायकोट में है। चतुर्मास 13 जुलाई से 8 नवंबर तक रहेगा, तो 4 महीनों के लिए हमारा वहां पर स्थिर वास रहेगा। और चतुर्मास की परंपरा सिर्फ जैन धर्म में ही नहीं है, प्राचीन समय में यह अन्य जैनेतर परंपराओं में भी थी। हालांकि समय के परिवर्तन के साथ इसमें कुछ चेंजेस आई, किंतु जैन धर्म अभी भी उसी रीति पूर्वक चतुर्मास के व्रत की आराधना और पालना कर रहा है। संत साध्वियाँ एक ही स्थान पर 4 महीने के लिए स्थिरता पूर्वक रहते हैं, वहाँ पर साधना में स्वयं को एकाग्र करते हैं और साथ ही दूसरे लोगों को भी धर्म ध्यान करने की प्रेरणा देकर 4 महीनों की अवधि को धर्म के जागरण का उत्सव बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि महाराज साहब ने हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, और हमें उम्मीद है कि आपके मन में भी जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। हम ऐसे ही आपके लिए और भी कई अपडेट्स लेकर आते रहेंगे, ऐसे ही देखते रहिए आत्मा चैनल। कैमरामैन बलविंदर के साथ नलिनी मिश्रा।